बीबीसी फोन पे चोरी कर रहा है यार। चलो मैम ला दो, ले आ भाई, ले चढ़ा दे, आया क्या को, ले आ क्या को, ले जा अरे ले जा क्या फूड सेफ्टी का टेस्टिंग लैब है, मोबाइल टेस्टिंग लैब पूरे मंडल में 22 दिन के लिए और हमारे जनपद के लिए 7 दिन के लिए आया है। आज पहला दिन है, सभी तहसीलों को रोस्टर बना हुआ है फूड सेफ्टी का, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए, जहाँ पे भी व्यापार मंडल से कोऑर्डिनेट कर लेंगे और अगर कोई किसी से शिकायत आता है या कोई अपना चेक करना चाहता है तो वो चेकिंग करके उनको रिजल्ट बताया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट कैसे मिल उनके, वहीं पर प्रिंट होकर के उनको मिल जाएगा। लैब में सभी फैसिलिटीज़ है, सभी कंप्लीट फैसिलिटीज़ है उसमें, तो जगह जगह जहाँ जाएगी पहले ही लोग रोस्टर भी बना रखे हैं, कहाँ है वो एक बार प्रचार प्रसार कर देंगे तो वहाँ के लोग यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट में दिया गया है, अभी 6 जनपदों में दिया गया है और अभी सभी जनपद में ये घूमेगा एक बार, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और दूसरा टेस्टिंग के लिए। चला जी, क्या कार्यक्रम किया? ऐसा है कि जो है हमारे जनपद में दिनांक 11 मार्च से 17 मार्च हेतु जो है मुख्यालय द्वारा, कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा मोबाइल लैब जो है उपलब्ध कराई गई है, जिसका उद्देश्य जो है आम जनमानस और खाद व्यापारियों में जागरूकता फैलाना। इसके माध्यम से विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे खोया, दूध, पनीर, मसाले आदि की जांच की जाएगी। कोई भी आम जनमानस इसमें किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच करा सकता है, कोई भी खाद्य व्यापारी अपने सामान की जांच करा सकता है, जिसका परिणाम भी साथ साथ ही उसको बताया जाए। जैसे पहले सैंपलिंग होती थी, लैब में जाते थे, तो क्या वो सुविधा नहीं मिलेगी या नहीं? वो तो वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो भी चलेगी। अगर ये जो लैब आई है इसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ मिलती है, किसी के खाद्य पदार्थों में जो है मिलावट मिलती है, तो उनको जागरूक किया जाएगा उसके प्रति, या किसी के लेबलिंग में कोई कमी मिलती है और अगर सुधार नहीं होता तो वो तो कार्रवाई उन पर विभाग पूरे वर्ष करता ही है। ये जागरूक करने के लिए मेन उद्देश्य इसका जागरूकता है कि भाई व्यापारियों में और आम जनमानस में जागरूकता फैलाई सके कि मिलावट से कैसे बचा सकता जा सकता है, हम किस किस तरह की मिलावट करते हैं और कैसे साफ सफाई की व्यवस्था रख सकते हैं। जुर्माना भी होगा अगर मिलावट मिलती है? नहीं, जुर्माना नहीं होगा इस पे। अगर कोई रिजल्ट परिणाम आता है तो उस पे फिर दोबारा जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। जो भी किसी तरह का कोई शुल्क भी रखा हुआ? नहीं, कोई शुल्क नहीं है इस पे, निःशुल्क इस पे जो है जाँच की व्यवस्था है। दो जो है फूड एनालिस्ट और हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस पर तैनात हैं, जिनको इसके संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया था और पूरे जनपद के लिए रोस्टर बनाया गया है। रोस्टर के अनुसार ही ये जो है अगले 7 दिवस तक संचालित होगी जिले में।